अनुराग भदौरिया जी, आज तो प्रधानमंत्री की तारीफ कर दीजिए, बोल दीजिए कि प्रधानमंत्री ने आज सैनिकों के बीच जाकर बहुत अच्छा काम किया है। देखिए मैं आपको एक बता दूं, अच्छी बात है कि भारतीय जनता पार्टी को बहुत देर में समझ में आया कि चाइना नंबर वन दुश्मन है, और हम समाजवादी लोग तो लगातार कहते आ रहे थे कि चाइना हमारा दुश्मन नंबर है, तब तो प्रधानमंत्री जी झूला झुलाने में लगे। अब इतना बड़ा नुकसान होने के बाद अगर समझ में आया, अच्छी बात है कि देर से आए लेकिन दुरुस्त आए, लेकिन हमें अभी भी अफसोस है कि हमारे वीर जवान भारतीय जनता पार्टी की गलती की वजह से शहीद हो गए। दूसरी बात, प्रधानमंत्री जी गए, अच्छी बात है, वहां के सैनिकों से मिले, ये भी बहुत अच्छी बात, देश के फौज से मिले। अच्छा होता कि देश के रक्षा मंत्री को भी साथ ले जाते, क्योंकि रक्षा मंत्री को ही रक्षा मंत्रालय चलाना होता है, तो अच्छा लगता है कि कम से कम रक्षा मंत्री भी साथ हैं, उससे और हौसला बढ़ता। वहां के जो फौजी थे हमारे भाई, उनको क्यों छोड़ के चले गए? मैं यही जानना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी से कि भारतीय जनता पार्टी कब तक मार्केटिंग में विश्वास रखेगी। भाई गए, अरे सर, सैनिकों के बीच जाने को तो मार्केटिंग मत बोलिए अनुराग भाई, सैनिकों के बीच जाने को तो मार्केटिंग मत बोलिए, थोड़ी जाति हो गई। तो हमेशा चाइना को नंबर वन दुश्मन मानते हैं और हम प्रधानमंत्री की तारीफ कम, राष्ट्र की तारीफ ज्यादा करते हैं। प्रधानमंत्री तो आते जाते रहते हैं, आज आई प्रधानमंत्री मोदी जी है, कल कोई दूसरे होंगे, कल कोई तीसरे होंगे, और इसके पहले भी बहुत लोग रहे हैं। प्रधानमंत्री इतनी बड़ी चीज पद नहीं होता जितना बड़ा पद हम लोग महिमा मंडल में लगे होते हैं। राष्ट्र बड़ा होता है, फौज हमारी बड़ी है, नई परिभाषा है। के शर्मा जी, के शर्मा जी लड़ेंगे तभी हम चाइना को हरा पाएंगे। दो बात, एक बात यहाँ पर और तय,